अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ टीचर नाजिया, आपको ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपको उर्दू पढ़ाना सिखाऊंगी। जी तो बच्चों, सबसे पहले आप सब बच्चे अपनी बुक्स लेके बैठ जाएं और अपनी किताब को खोल लें। ये आपकी किताब असास कायदा 1 है, इसको ओपन करेंगे और हम हरूफ निकालेंगे। ये तमाम हरूफ लिखे हुए हैं मेरे पास। अब मैं आपको इन हरूफ के नाम बताऊंगी। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल जाल, रेड़े जे ये सीन शीन स्वाद स्वाद, तोय जोय एन गैन फे काफ काफ गाफ, लाम मीम नून वाओ और हे, हमजा छोटी ये बड़ी ये इन हरूफ के नाम हैं। आपने इस गीत को बार बार सुनना और याद करना है। अब मैं आपको हरूफ की पहचान करवाऊंगी कि किस हरूफ का क्या नाम है। मेरे पास ये हर्फ मौजूद है। इस हर्फ को अलिफ कहते हैं। इस हर्फ को क्या कहते हैं? अलिफ। सब बच्चे मेरे साथ बोलें, अलिफ अलिफ अलिफ। जी तो अब मुझे बताएं इस हर्फ का क्या नाम है? अलिफ। वेरी गुड। अब मैं आपको अलिफ के बारे में बताऊंगी कि अलिफ को हम कैसे लिखते हैं। बिल्कुल सीधा, अलिफ बिल्कुल सीधा। और अलिफ से बहुत से हमारे पास ज़खीरा अल्फाज, गीत और कहानियाँ होती हैं। जैसे कि अलिफ का गीत है मेरे पास, अलिफ अ अनार बड़ा मज़ेदार, अलिफ अ अनार बड़ा मज़ेदार। सब बच्चे मेरे साथ गाएंगे, अलिफ अ अनार बड़ा मज़ेदार, अलिफ अ अनार बड़ा मज़ेदार। जी तो अब मुझे सब बच्चे बताएंगे अलिफ से कहानी। जी तो अलिफ से कहानी आती है? ओ इट्स ओके, मैं आपको अलिफ की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन सब अम्मी अब्बू के साथ साथ बाग में गए। एक दिन सब अम्मी अब्बू के साथ बाग में गए। आप अपनी इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब बच्चे हैं जो के बाग में खेल रहे हैं। बहुत बड़ा बाग है, ये देखें, ये बाग है। और ये हम पिक्चर में अम्मी हैं, ये अब्बू हैं। और अब्बू के हाथ में क्या है? अखबार। अब्बू के हाथ में क्या है? अखबार। जी और अलिफ से कौन सा दरख्त है? ये अनार का दरख्त। अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार का दरख्त है। तो जी दोस्तों, ये है हमारा अलिफ और ये है हमारे अलिफ से मिलते ज़खीरे अल्फाज। अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अखबार। और हमारी अलिफ की कहानी सब बच्चों को याद हो गई? एक दिन सब अम्मी अब्बू के साथ बाग में गए। जी तो बच्चों, बार बार इस कहानी को दोहराइए ताकि आपको ये कहानी जल्द अज जल्द याद हो जाए। एक दिन सब अम्मी अब्बू के साथ बाग में गए। जी तो चलें, अब आप अपनी पढ़िए और सीखिए कायदा खोलिए। और इसमें सफ़ा नंबर 1 को खोल लें। जी सफ़ा नंबर 1 में हमारे पास लफ्ज़ क्या पढ़ा ये आपने आज? बिल्कुल सही, अलिफ। क्या है ये? अलिफ। क्या है ये? अलिफ। जी तो अलिफ से हमारे पास ये तस्वीर मौजूद है। इस तस्वीर में आप मुझे बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है? अम्मी, अब्बू, अब्बू के हाथ में अखबार है, अब्बू के हाथ में अखबार है। अम्मी और अब्बू बावर्ची खाने में हैं और बावर्ची खाने में बहुत सी अलमारियां हैं। अलिफ से अलमारी, अलिफ से
अलमारी। जी अलिफ से इसमें क्या है? अचार। अलिफ से अचार। अलिफ से इस्त्री। अलिफ से इस्त्री। जी तो अम्मी के पास भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, आप इन्हें गौर से देखें और बताएं इसमें कौन सी चीज़ अलिफ से है। ये क्या है? अनानास। ये क्या है? अनार। और ये अमरूद। जी ज़खीरा अल्फाज अनानास, अमरूद, अनार, अम्मी, अब्बू, अलमारी, अखबार, इस्त्री, अचार। तो बच्चों आप ये तमाम ज़खीरा अल्फाज इस तस्वीर में ढूंढने की कोशिश करें। जी ये आपकी उर्दू की कॉपी है, सफ़ा नंबर 1। खोलें इसको, सफ़ा नंबर 1 आपकी उर्दू की कॉपी। इसका सफ़ा नंबर 1। इसको खोल लें, अपने हाथ में पेंसिल रखें और हम आज का काम करेंगे। क्या लफ्ज़ है ये? अलिफ। कौन सा हर्फ है? अलिफ। अलिफ, अलिफ, अलिफ। जी तो बच्चों अब हम अलिफ को ट्रेस करना सीखेंगे। अपनी पेंसिल को पकड़ें और डॉट के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल डॉट से मिलाते हुए नीचे आ जाएंगे। अगेन एक बार फिर, और ये मश्क हम दोहराते जाएंगे और हम अपने अलिफ को इस तरह से मुकम्मल कर देंगे। ट्रेसिंग के बाद आपको ख़ुद से अलिफ लिखना होगा। अब आप ख़ुद से अलिफ कैसे लिखेंगे? इस पेंसिल, इस डॉट के ऊपर आप अपनी पेंसिल रखें और इस पेंसिल से आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है इस लाइन तक, और इससे नीचे नहीं लेके जाना। आपने बिल्कुल सीधा इस लाइन तक आना है और यहाँ पर आकर आपने अपनी पेंसिल को रोक देना है और आपके पास क्या बन जाएगा? ये हर्फ अलिफ। फिर से दूसरे हर्फ पे आप पेंसिल रखें और उसको नीचे की तरफ मूव करना है और ये होगा आपका अलिफ। अब आपने अपनी ये पूरी मश्क मुकम्मल करनी है। शुक्रिया। आपके पास असास कायदा है, असास कायदा 1। इसको खोलें, इसका सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 1313। उसमें आपके पास अलिफ का ये काम मौजूद है, हर्फ अलिफ। सबसे पहले मैं आपको अलिफ से ज़खीरा अल्फाज के मतलब मैं बताऊंगी। अलिफ से अबाबील, अलिफ से उंगली, अलिफ से उल्लू, अलिफ से इस्त्री, अनानास, ऊंट, दोबारा से अलिफ से अबाबील, अलिफ से उंगली, अलिफ से उल्लू, अलिफ से इस्त्री, अलिफ से अनानास, अलिफ से ऊंट। और यहाँ पर आपने अलिफ लिखना है। आप किसी भी कलर पेंसिल से, पेंसिल से इस तस्वीर के अंदर आपने अलिफ लिखना है। और सब बच्चे मुझे गौर करके बताएं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है, ये किस चीज़ की तस्वीर है? आपको ये क्या नज़र आ रहा है? ये भी अलिफ से है। अलिफ से अंडा। यस यू आर राइट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंडा। और इस अंडे के बीच में आपने अलिफ लिखना है। आप चाहो तो कलर पेंसिल से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो पेंसिल से भी लिख सकते हो। अलिफ की मश्क आपने बार बार करनी है। इस अंडे के बीच में आपने बहुत से अलिफ बनाने हैं ताकि आपको अलिफ लिखना आ जाए। और यहाँ पे आपने अलिफ की ट्रेसिंग भी करनी है। आपको आज का काम समझ आ गया? और घर के काम में आपने अलिफ की मश्क की दोहराई करनी है। सफ़ा नंबर 14, सफ़ा नंबर 14। ये आपका आज का काम है, सफ़ा नंबर
14, ये आपका घर का काम है। सफ़ा नंबर 14। सफ़ा नंबर 14 में आपने अलिफ लिखना है। अगर आप अपना जमात का काम कर चुके हैं तो आपको अलिफ लिखना आ गया होगा। हर्फ दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। आपको अलिफ से मिलते हुए जो हरूफ हैं उनको दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। अलिफ से अबाबील, अलिफ से उल्लू, अलिफ से ऊंट, अलिफ से आपने आग को नहीं मिलाना, क्योंकि आग अलिफ मद आ से बनता है। अभी आप अलिफ मद आ को नहीं जानते, इसलिए आप इसको इससे नहीं मिलाएंगे। आप कौन सा हर्फ सीख रहे हैं? आज आपने क्या सीखा? अलिफ। और अभी आप अलिफ सीख रहे हैं, इसलिए आपने अलिफ के गिर्द दायरा लगाना है। और जो बाकी हरूफ हैं इनके नाम को आप नहीं जानते, इसलिए आपने उनके गिर्द दायरा नहीं लगाना। अलिफ के गिर्द दायरा लगाना है, अलिफ के गिर्द दायरा लगाना है। इसी तरह आपने अपना ये काम मुकम्मल करना है। ये आपका घर का काम होगा। उम्मीद है आपको अलिफ लिखना आ गया होगा और आपको अलिफ का गीत, कहानी और ज़खीरा अल्फाज की बेहतरीन सही समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।